वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल, दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज ऑफ ऑल एंड होल। ऑल एंड होल का यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑल का यूज हमें कहाँ पर किन सिचुएशंस में करना चाहिए। ऑल इज यूज्ड विद एंटायर अमाउंट ऑफ समथिंग। ऑल का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी एंटायर अमाउंट की बात करते हैं, एक टोटल किसी चीज की जब हम बात करते हैं ऑल का यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर, मतलब जो बहुत सारे नंबर की चीजें होती हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, जब उनको इकट्ठा हम लेते हैं, जब उनके बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर हम ऑल का यूज करते हैं। यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन। ऑल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी और काउंटेबल नाउन के साथ भी। यूज्ड एज डिटर्मिनर प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। और ऑल का यूज एज डिटर्मिनर की तरह भी हम करते हैं, प्रोनाउन की तरह भी ऑल का यूज होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन ऑल होता है, एज एन एडजेक्टिव भी ऑल का यूज होता है, ये भी इनडेफिनेट एडजेक्टिव का ही पार्ट है ऑल, और एज एन एडवर्ब भी हम ऑल का यूज करते हैं। तो ऑल को डिटर्मिनर की तरह भी यूज किया जाता है, एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। और जब हम इसको डिटर्मिनर के साथ यूज करते हैं तब इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले आएगा ऑल, उसके बाद आएगा डिटर्मिनर मतलब द, और उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन आएगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जब ऑल डिटर्मिनर के साथ आएगा तो सबसे पहले ऑल आएगा, उसके बाद में द आएगा और उसके बाद में नाउन आएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ जब ये डिटर्मिनर द के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई हैव ईटन ऑल मैंगोज। तो यहाँ पर ये जो ऑल है ये एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि इसने मैंगोज जो नाउन है उसको डिफाइन करा है। अब जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, आई हैव ईटन ऑल मैंगोज, मतलब कि सपोज एक प्लेट है उसमें बहुत सारे मैंगोज रखे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि आई हैव ईटन ऑल द मैंगोज। तो जो प्लेट में जो मैंगोज थे, जितने भी होंगे नंबर में, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो जब हम पूरे नाउन की बात कर रहे हैं, पूरे नाउन को हम जब एक साथ उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम ऑल का यूज करेंगे। आई हैव ईटन ऑल मैंगोज मतलब उस प्लेट में या वहां पर जितने भी आम थे वो मैंने सारे खा लिए थे। तो सारे नाउन की जब बात हो रही है तो वहां पर हम ऑल का यूज करते हैं। इंडिविजुअली बात नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ थिंग टेकन टुगेदर। जैसे सपोज यहाँ मैंगोज भी हैं, बहुत सारे मैंगोज एक प्लेट में होंगे, तो उन सारे मैंगोज को खाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑल है वो इसी सेंस में आया है, और ऑल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि इसने नाउन को डिफाइन करा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी मैनेज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इन द एग्जाम। तो अगेन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, पहले ऑल आया है, फिर द डिटर्मिनर आया है, इसके बाद में नाउन आया है। जैसा कि हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करा था, पहले ऑल आता है, उसके बाद डिटर्मिनर द एंड उसके बाद नाउन। तो यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि वी मैनेज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इन द एग्जाम, मतलब हमने मैनेज किया था जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पर टेकन टुगेदर की बात हो रही है कि जितनी सारी प्रॉब्लम थी हमने उन सभी को सॉल्व करा था। नाउन यहाँ पर एज डिटर्मिनर के साथ आया है। थर्ड एग्जाम्पल है, ऑल हिज फ्रेंड्स ट्राइड हार्ड टू मेक हिम कंफर्टेबल। तो ऑल हिज फ्रेंड ट्राइड हार्ड में मतलब हुआ कि उसके जितने भी फ्रेंड थे, जितने सारे फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको वो कंफर्टेबल सिचुएशन में ला सके या उसको वो शांत कर सके। तो यहाँ पर भी ऑल एज अ डिटर्मिनर की तरह आया है, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, ऑल एज अ डिटर्मिनर भी आता है, एज अ प्रोनाउन भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, एडवर्ब भी आता है, और यहाँ पर जो ऑल है वो एज अ डिटर्मिनर की तरह आया है क्योंकि इसने हिज फ्रेंड जो एक हमारा सब्जेक्ट है, जो नाउन है,
उसी को ही डिफाइन कर रहा है। डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर ऑल एज अ डिटर्मिनर की तरह आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट नाइट आई वॉज इन अवर ओल्ड हाउस, ऑल वर कवर्ड बाय डस्ट। तो यहाँ पर जो ऑल है ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ऑल यहाँ पर एज अ प्रोनाउन आया है क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट आया है वर्ब के लिए, जो वर्ब है वर्ब के लिए इसने एज अ सब्जेक्ट की तरह काम किया है, ऑल यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन आया है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का मतलब हुआ, लास्ट नाइट आई वॉज इन अवर ओल्ड हाउस, ऑल वर कवर्ड बाय डस्ट, मतलब पिछली रात में मैं अपने पुराने घर पे था और वहां पर जो सारा सामान था या जो सारी चीजें थी या जो पूरा घर था वो कवर्ड था डस्ट से। तो जब हमने सारी चीजों को व्हेन वी टेक ऑल थिंग टेकन टुगेदर, तब वहां पर हमने ऑल का यूज करा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द विक्टिम वॉज ड्राउनिंग ऑल इन ब्लड। तो यहाँ पर जो ड्राउनिंग है ये वर्ब है, मेन वर्ब की तरह आया है, ऑल यहाँ पर एज एन एडवर्ब आया है क्योंकि इसने वर्ब को डिफाइन करा है, द विक्टिम वॉज ड्राउनिंग ऑल इन ब्लड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो विक्टिम था वो पूरी तरह से डूबा हुआ था ब्लड में। तो किस तरह से डूबा हुआ था, पूरी तरह से। तो यहाँ पर ऑल इसके लिए एज एन एडवर्ब का काम करा है क्योंकि उसने वर्ब को डिफाइन करा है इस एग्जाम्पल में, द विक्टिम वॉज ड्राउनिंग ऑल इन द ब्लड, मतलब कि जो विक्टिम था वो ब्लड में पूरी तरह से डूबा हुआ था, वर्ब को डिफाइन करा है एडवर्ब ने, ऑल यहाँ पर एज एन एडवर्ब आया है। लास्ट एग्जाम्पल है, ऑल न्यूज पेपर कवर इम्पोर्टेंट न्यूज आइटम। जो सभी न्यूज़पेपर होते हैं, हम किसी एक न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने सारे न्यूज़पेपर्स के बारे में बताया है कि ऑल न्यूज़पेपर कवर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम, कि जितने सारे न्यूज़पेपर हैं वो हिंदी का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, किसी अदर लैंग्वेज का भी हो सकता है, तो जितने न्यूज़पेपर हैं वो सभी न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट न्यूज़ को दिखाते हैं या शो करते हैं या सभी न्यूज़पेपर्स में इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है वो नाउन है और नाउन को जिसने डिफाइन करा है वो है ऑल, ऑल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आया है। तो इन एग्जांपल के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया है कि जब हम ऑल के बारे में बात करते हैं, जब हम सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, नो मैटर हाउ मच हाउ मेनी, जब हम सारी चीजों को टेकन टुगेदर लेते हैं तब हम वहां पर ऑल का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन के साथ भी ऑल का यूज होता है, और ऑल एज एन डिटर्मिनर की तरह आता है सेंटेंस में, इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, एंड एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि होल का मतलब क्या होता है। जब हम होल को किसी सेंटेंस में पढ़ते हैं या जब हम रीडिंग करते हैं तो होल भी आता है, तो होल का मतलब होता है कंप्लीट और एंटायर। तो ऑल का मतलब भी होता है जब हम सारी चीजों को लेते हैं, और होल का मतलब भी हुआ कंप्लीट और एंटायर, यूज विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। और होल का यूज हम सिर्फ जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स को हम हमेशा ही सिंगुलर लेते हैं, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होल का यूज होता है, यूज एज एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन, और होल का यूज होता है एज एन एडजेक्टिव की तरह, और ये आता है नाउन से पहले क्योंकि नाउन को डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव, तो होल एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। ऑल का यूज होता है डिटर्मिनर की तरह भी होता है, प्रोनाउन की तरह भी होता है, एडजेक्टिव की तरह भी होता है, और एडवर्ब की तरह भी होता है, लेकिन होल का यूज तब हम करते हैं, होल का यूज होता है सिर्फ एडजेक्टिव की तरह जब ये नाउन से पहले आके उसको डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है। तो जब हम होल का को लिखेंगे तो होल के साथ भी द डिटर्मिनर लगता है, लेकिन जब होल के साथ में द डिटर्मिनर लगेगा तो द पहले आएगा, द पहले आएगा, उसके बाद में होल आएगा, और उसके बाद में जो नाउन होगा वो आएगा।
तो ये होल को यूज करने का स्ट्रक्चर ये है, पहले द डिटर्मिनर आता है, फिर होल आएगा और फिर नाउन आएगा। तो अब डिफरेंस क्या है ऑल और होल में? ऑल और होल में ये डिफरेंस है कि सपोज कि एक प्लेट है, उसमें फाइव एप्पल्स रखे हैं, तो जैसे कि किसी ने वो सारे एप्पल्स को अगर खा लिया है प्लेट के, अगर उसने पांचों एप्पल्स को खा लिया है तो वो बोलेगा आई हैव ईटन ऑल द मैंगोज, कि मैंने सारे मैंगोज को खा लिया है। जब हम कई नाउन की बात करते हैं, क्योंकि एप्पल नाउन है, जब हमने कई नाउन्स को एक साथ लिया या एक साथ उसे यूज करा, तो वहां पर हम ऑल का यूज करेंगे। होल का यूज हम तब करते हैं जब किसी एक चीज के बारे में ही हम कंप्लीट बात करते हैं। जैसे सपोज एक प्लेट में एक एप्पल है, अगर उस एप्पल को ही पूरा खाया गया है तब वहां पर ये बोला जाएगा आई हैव ईटन द होल एप्पल, मतलब कि जो एक एप्पल था, जो एक सिंगल नाउन था, उसको टेकन टुगेदर लिया गया है, उसको एंटायर लिया गया है, उसको पूरी तरह से समझा गया है कि मैंने पूरा सेब खा लिया है, उसका कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा है, आई हैव टेकन द होल एप्पल। तो ऑल और होल में यही डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब होल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे कि माई सिस्टर स्टेड इन लंडन फॉर अ होल मंथ। अगेन यहाँ पर देखिए ये अ है, डिटर्मिनर है, जो हमने डिस्कस करा था कि डिटर्मिनर पहले आता है, उसके बाद में होल आएगा और उसके बाद में नाउन आएगा। तो यहाँ पर माई सिस्टर स्टेड इन लंडन फॉर अ होल मंथ, तो एक पूरे होल मंथ की बात हो रही है, वीक्स की बात नहीं हो रही है, डेज की बात नहीं हो रही है, या डेज या वीक को हमने नहीं लिया है, हमने पूरे होल मंथ की बात करी है। जब एक नाउन के ही पूरे होल के बारे में हम बात करते हैं, एक नाउन के बारे में ही बात करते हैं, तो वहां पर होल का यूज करते हैं। माई सिस्टर स्टेड इन लंडन फॉर अ होल वीक, फॉर अ होल मंथ, मतलब कि जो मेरी सिस्टर थी उसने लंडन में स्टे किया था एक पूरे महीने में, एक पूरे महीने। सेकेंड एग्जाम्पल है वी एट द होल केक आफ्टर डिनर। तो यहाँ पर जब होल का हम यूज कर रहे हैं, वेन वी टेक एनीथिंग टुगेदर इन 100%, जब किसी भी चीज का हम पूरा 100% ले लेते हैं, वहां पर होल का यूज करेंगे। वी एट द होल होल केक आफ्टर डिनर, मतलब कि जो केक था वो हमने पूरा खा लिया था डिनर के बाद में। उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि एक केक था, दो केक थे या तीन केक थे, सिर्फ एक केक है, एक नाउन है, जब उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया गया है तो वहां पर हमने होल को यूज करा है। अगेन यहाँ पर भी डिटर्मिनर द है, द के बाद होल है, उसके बाद में नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल है ही लिव्ड हिज होल लाइफ इन अफ्रीका। तो यहाँ पर भी एक पूरे उसके पूरे लाइफ टाइम की बात हो रही है कि जो उसका पूरा लाइफ था, उसने अपनी पूरी जो लाइफ है वो सिर्फ अफ्रीका में ही स्पेंड करी। ही लिव्ड हिज होल लाइफ इन अफ्रीका, मतलब उसने अपनी